अग्निवीर रिक्रूटमेंट की भर्ती में उसी ग्राउंड के बाहर हूँ। मेरे साथ दो मेरे छोटे भाई हैं जो अभी ग्राउंड से बाहर आए हैं, बाकी की बातचीत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। एज यू नो, टुडे इज 23rd of November और हमारी अग्निवीर भाइयों की भर्ती चल रही है हमारे अखनूर के बरदाल ग्राउंड में। तो अभी अभी जस्ट मैं बरदाल ग्राउंड से होके आऊँ, क्योंकि आप सब ने बोला था कि भैया जो पास हुए हैं फिजिकल उनका थोड़ा इंटरव्यू लो, तो वो कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की, बट दे डोंट वॉन्ट टू फेस दी कैमरा, वो कैमरा फेस नहीं करना चाहते थे। तो हुआ क्या, उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया। बाकी मैंने उनसे जो कुछ पूछा कि आपकी रनिंग, कहते इन टाइम हमारी रनिंग हो गई थी। मैंने पूछा एक्सीलेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भैया एक्सीलेंट आ रहे हैं जो पहले पाँच, उसके पीछे वो पाँच लड़के और ले रहे हैं। लेकिन जब मैंने बाद में और भी लड़कों से बात की, वो आप सुनोगे अभी आगे वीडियो में, तो उन्होंने कहा कि भैया एक ग्रुप में से 20-22 लड़के वो ले रहे हैं। वैसे आज मैं वीडियो नहीं करने वाला था, आप ही के कहने पर, जब जो आपने कमेंट्स किए हैं कि भैया जाओ, प्लीज़ जाओ एक बार वीडियो करके आओ, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट कितने पुराने होने चाहिए, आप नंगे पाँव उस ग्राउंड में दौड़ सकते हो नहीं, ये सारे डाउट्स आज मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। और हो सके तो शाम को 7 बजे आज हम लाइव डिस्कशन भी करेंगे हमारे इसी ग्राउंड के बारे में, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो उसमें आप पुट ऑफ करना। बाकी जो बच्चे होंगे जो ग्राउंड क्वालिफाई करके आए हैं, जो नए भी करके आए हैं, जो यहाँ से होके गए हैं, वो आपकी हर एक क्वेरी का आपको रिस्पांस ज़रूर देंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। तो चलो अब आगे आप वीडियो को देखो और शाम को 7 बजे मिलते हैं। तो फाइनली राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ दी अग्निवीर रिक्रूटमेंट ग्राउंड, जहाँ पे चल रही है हमारे अग्निवीर रिक्रूटमेंट की भर्ती। मैं उसी ग्राउंड के बाहर हूँ, मेरे साथ दो मेरे छोटे भाई हैं जो अभी ग्राउंड से बाहर आए हैं, बाकी की बातचीत इन्हीं के साथ होगी पूरी। अब ये आपको बताएंगे कि ये यहाँ कब पहुँचे और कितने बजे ये ग्राउंड में गए। भाई आप बताओ कि आपको सुबह यहाँ कितने बजे पहुँचना है इस ग्राउंड में? हम 4 बजे से ग्राउंड इधर पहुँचे, लाइन में लगे हम 4 बजे। वैसे टाइमिंग 2 बजे का? हाँ, 2 बजे का टाइमिंग दी थी। मतलब कि 2 बजे जाना कोई जरूरी नहीं है, आप 4-5 4-5 बजे जा सकते हैं। ठीक। और आपने रात में स्टे कहाँ किया यहाँ? हमने इधर रूम लिया था। अच्छा, आपने रूम मिल गया था ना यहाँ पे? ग्राउंड के बाहर इन्होंने यहाँ पे रूम लिया था, इनको रूम मिल गया था। बाकी कुछ हमारे जो भाई थे वो रुके थे गुरुद्वारा में, और वहाँ पे मंदिर में भी कुछ रुके थे, मैं वहाँ पे भी शाम को गया था। तो अब आगे आपको जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप पूछ रहे थे कि बोनाफाइड चाहिए भैया और 10th का डिप्लोमा चाहिए, वो सब ये आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और क्या क्या लेके आना है साथ में। 10th का डोमिसाइल चाहिए। अच्छा, अपना डोमिसाइल चाहिए? डोमिसाइल चाहिए, वो दूसरा वो चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, बोनाफाइड चाहिए, और पुलिस करेक्टर चाहिए, सरपंच के करेक्टर चाहिए, अनमेरिड चाहिए, तहसील का चाहिए। अच्छा, नहीं कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि भैया ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन? ऑनलाइन भी है, दोनों एक चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मतलब दोनों चल रहे हैं। ठीक है। तो और उसके बाद कुछ ये भी पूछ रहे थे कि भैया हमने 1 साल हो गया बनवाए हुए पास सर्टिफिकेट वगैरह, वो चलेगा? 6 महीने की अनमेरिड और करेक्टर 6 महीने की, और कास्ट और रिलीजन वगैरह कुछ ले रहे हैं? वो भी 6 मंथ। कास्ट रिलीजन सब कुछ जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है कि वो सिर्फ आपको 6 मंथ तक वैलिड है, अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपको वो सब बनवाना ही पड़ेगा फिर से। और आज हमारे उधमपुर की भर्ती थी? हाँ, उधमपुर, सिर्फ उधमपुर की भर्ती, आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की भर्ती थी, यानी कि आज 23rd of November है। हमारे उधमपुर के भाई, कुछ मेरे को और भी बच्चे मिले थे जो पास करके ग्राउंड गए हैं, ये हमारे भाई अकेडमी इन्होंने ज्वाइन की है, वहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पर सिर्फ 2 सेकेंड के फर्क से मेरे दोनों भाई रहे हैं। 2 सेकेंड का फर्क आपको पता है कि क्या होता है यार, 2 सेकंड रास्ता खींच दिया तो वहाँ किसी वजह से ये रह गए थे। बाकी आपका अपने होम ग्राउंड में क्या टाइमिंग आ रहा था? हमारा 5:15 आ रहा था। समझ लो कि 5:15 इनका टाइम था, और यहाँ पे ये लोग पहुँच ही गए थे जस्ट 1 सेकंड से, ये लोग रहे हैं 1 सेकंड, कुछ नहीं होता। वो बाकी आर्मी वालों को आपको पता है कि वो एक्सीलेंट में कितने? एक्सीलेंट में 5-6 लड़के ले रहे हैं। और एक्सीलेंट के बाद कितने ले रहे हैं? फिर बोलते हैं वन टू बोलते हैं एक्सीलेंट, पहले एक्सीलेंट होता है वन के पहले, फिर हो गया वन बोलते हैं एक्सीलेंट आ गया, फिर गुड का आ गया, तो टू टू बस। और आज कितने ग्रुप बनाए इन्होंने? आज इन्होंने 9 ग्रुप बनाए। आज 9 ग्रुप बनाए थे, और टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट किए होंगे? 9 पर 829 लड़का था, 829 टोटल था, टोटल था। उसमें से सिलेक्ट कितने हुए होंगे? 20-25 ले रहे हैं ग्रुप में, 20-25 एक ग्रुप में उठा रहे हैं। समझ लो कि जो 20-25 पहले होंगे बस वो आ रहे हैं, बाकी के चाहे टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे
फिर आर्मी वाले उनको नहीं ले रहे और ऐसा खींच लेते हैं 20 या 21 यही रेशियो उन्होंने रखी हुई है। तो आज हमारे भाइयों से आपने सब कुछ अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और पूछूंगा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वो नंगे पैर दौड़ सकते हैं ग्राउंड में? नहीं, हाँ नंगे पैर दौड़ अपने ग्राउंड बिल्कुल लेवल है, बिल्कुल पत्थर कुछ नहीं है? नहीं पत्थर नहीं, मिट्टी जमा लगाओ, शर्ट लगाओ, अब सुबह सुबह ठंड थी या नहीं? हाँ ठंड थी, जैकेट लगा लो। ये भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछे कि सुबह ठंड थी या नहीं थी? ठंड थी लेकिन फिर भी भागना तो पड़ेगा, निकल आके भागेंगे तो ही कम्फर्ट रहेंगे। पजामा लगाओ, कुछ भी कंफर्टेबल, निकल में आप रहते हो, अब जैकेट लगाओ, कुछ कोई बात नहीं, आप कुछ भी लगा के भाग सकते हो। ठंड है थोड़ी सी, वो आपको सहन करना पड़ेगी क्योंकि यार अगर आर्मी में जा रहे हो तो आर्मी में इतना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है। तो ठीक है, हमारे भाई को ऑल द बेस्ट इनके फ्यूचर के लिए, और आप सब भी आओ यहाँ से भर्ती होके ही जाओ। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं करूँगा अंत। जय माता दी, जय श्री राम, आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी और मेरे भाइयों की तरफ से भी।